क्या आपको भी फिंगर खाना बहुत ही अच्छा लगता है? अक्सर लोग जाते हैं मार्केट में खाने के लिए और 10-20 रुपए का एक पत्ता मिलता है ये, और बहुत ही लोग पसंद करते हैं, वहाँ जाते हैं खाते हैं। तो चलिए इसको हम घर पर कैसे बनाते हैं, तो लाल चटनी भी मैं बताऊंगी यहाँ पर बनाना, और फिंगर भी बताऊंगी कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 3 आलू लिए हुए हैं, तो आलू आपको थोड़ा सा लंबे ही होना चाहिए, बड़े साइज के, तभी फिंगर जो हमारी बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी, लंबी लंबी सी बनेगी, बहुत ही लोग इसको पसंद करते हैं। तो हम इसको घर पर बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल से तरीका है बनाने का। तो मैंने आलू यहाँ पर लिया है 3 बड़े आलू, अब इसको हम छील लेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसका जो फिंगर है वो काटेंगे फिंगर साइज में, देख सकते हैं। तो इसको हम आलू को बीच से एक बार और काटेंगे, ताकि जो अच्छी से पतली पतली लंबी लंबी सी फिंगर हमारी बने, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे आलू को काट लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका, जब मन चाहे तब बना करके खाएं, झटपट से बन जाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं लगता है ज़्यादा, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको काट लिया है आलू को, और इसमें हम पानी डाल करके रख देंगे, थोड़ा सा टाइट हो जाती है, पानी डालने से फूल जाता है थोड़ा सा आलू। तो इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक हम इसको रखते हैं, उधर हम चटनी बना लेते हैं। तो ये मैंने 5 टमाटर लिया है, लहसुन अदरक हरी मिर्च लिया है। इस टमाटर को हम ऊपर का जो पार्ट होता है उसे निकाल देंगे, और इसको बीच से हम इस तरीके से 2 भाग में काट लेंगे। पानी मैंने रखा गर्म होने के लिए, पानी भी गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम टमाटर इसमें डाल देंगे पानी में। आप चाहें तो आप ऐसे बिना काटे ही पका सकते हैं, मैंने इसको काट लिया, जल्दी से पक जाएगा। मैंने लहसुन ढेर सारा डाल दिया है, अदरक भी डाला है, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है। आप इसमें लाल मिर्च लेना, उससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा चटनी में। और अब हम इसको उबलने देते हैं, पका लेते हैं पानी में। 4 से 5 मिनट पकने के बाद, ये उबलने के बाद पक जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। निकाल करके मैंने निकाल लिया है, अब इसको हम ठंडा करके पीस लेते हैं। तो मैंने ठंडा करके पीस लिया है, उसी बर्तन में मैं बनाऊँगी। तो अभी मैंने गैस को चालू नहीं किया है, अब ये पानी वही वाला है जो हमने टमाटर उबाला है, वही पानी है, तो हम इसको इसमें यूज करेंगे। वही पानी मैंने डाला है, थोड़ा सा पानी और डालूँगी, अभी ये पकेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है, स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, और लाल मिर्च डालना है, मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। और अब इसको हम बढ़िया से मिला देंगे, करेंगे मिक्स। और अब हम इसको पका लेते हैं, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट आपको इसको पकाना है, ताकि पानी जो है इसका अच्छे से पक जाए, चटनी भी ख़राब नहीं होगी। और इसमें तेल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। यहाँ पर चटनी हमारी पक चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो इधर चटनी हमारी बन करके तैयार है, मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है, जो मैंने पहले उबाला है पानी में, लहसुन अदरक हरा मिर्च टमाटर नमक स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, थोड़ा सा तीखा बनाएंगे चटनी को, चटपटा रहेगा, ज़्यादा ही अच्छा लगेगा खाने में। इधर आलू भी अच्छे से फूल चुका है, टाइट हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इसमें हम डालेंगे अरारोट, अरारोट बहुत ही आसानी से मिल जाता है मार्केट में, तो मैंने 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है अरारोट। अब थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है, मार्केट में जैसे मिलते हैं वैसे ही हम बनाएंगे, उसी तरीके से बनाऊंगी, तो थोड़ा सा तो कलर जाना ही चाहिए।
मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। आलू में अच्छे से लग जाएगा अरारोट, हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं इसको कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से। बहुत ही अच्छे से तेल गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे फिंगर, और जब हम डालेंगे तो तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसके बाद हमें आँच को मीडियम लो के बीच पर रखना है, तभी हमारी जो फिंगर है बहुत ही अच्छे से पकेंगी और अंदर तक पकेंगी, क्रिस्पी रहेंगी, तभी तो खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमें बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक इसको पका लेना है। अच्छे से हमारी फिंगर पक जाएंगी तभी हमें इसको बाहर निकालना है। बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है। आप नाश्ते में बना करके खा सकते हैं, या कोई मेहमान आ जाए तो भी बना कर दे सकते हैं, और सभी को तो बहुत ही पसंद होते हैं। तो चलिए झटपट से बन जाता है ये। तो यहाँ पर फिंगर पक चुकी है, हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने अब दूसरा वाला भी, मैंने बचे हुए जो फिंगर थे उनको भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब इसी तरीके से हम पका लेंगे, सारे फिंगर को हम बना लेंगे इसी तरीके से। तो चलिए ये भी हमारा जो फिंगर है पक चुका है, इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। और गर्मा गर्म फिंगर खाइए चटपटी चटनी के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप ज़रूर इस तरीके से बना करके खाना, सभी को बहुत पसंद आएंगे, और वैसे भी फिंगर तो सभी को बहुत ही पसंद होते हैं, अक्सर जाते हैं खाने के लिए, मार्केट में जाते हैं लोग। तो हम घर पर क्यों ना बना करके खाएं अपने हाथों से। तो खाइए लाल चटनी के साथ फिंगर, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, एक बार ज़रूर से ट्राई करना। बच्चे तो बहुत खाते हैं इसको, वैसे भी ये कोई नुकसान करने वाली चीज़ है नहीं, आलू है। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।